Yes. So, hello everyone. Welcome you all at the Nimbus Learning powered by Unis Academy. मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं इस सिलेक्शन सीरीज 2 में जिसमें कि हम वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. यस, सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. जैसे कि हम बात करें तो मटेरियल साइंस, हमने कास्टिंग को भी कवर किया है, तो हमने वेल्डिंग को भी कवर किया है, हमने मेटल कटिंग के क्वेश्चंस भी किए हैं, हमने मशीनिंग के क्वेश्चंस भी किए हैं, और इन द लास्ट क्लास हमने मेटल फॉर्मिंग के क्वेश्चंस भी कर लिए थे. यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड इवनिंग. यस, थोड़ा सा लेट हो गया आज, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब अपन शुरू करने वाले हैं हमारा लेक्चर. तो आज यस, हेलो, वेरी गुड इवनिंग. सो हैव समथिंग नाउ, हम आज शुरू करने वाले हैं मेट्रोलॉजिक क्वेश्चन. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं. क्लियर? चलिए. So, समय समाप्त हुआ और हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने वाले हैं मेट्रोलॉजी के. देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है. आई होप कि आप सबने रिवाइज किया होगा. फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू फटाफट से बताओ भाई. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन ये बोल रहा है टॉलरेंसेस आर स्पेसिफाइड. पहला क्वेश्चन है टॉलरेंसेस आर स्पेसिफाइड. ए ऑप्शन, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड फिट्स because it is not possible to manufacture a size exactly, to obtain a higher accuracy, या to have a proper allowance. Very easy question. Easy question से शुरुआत कर रहे हैं. बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा. हम टॉलरेंस प्रोवाइड क्यों करवाते हैं. हम टॉलरेंस प्रोवाइड क्यों करवा देते हैं. वेरी गुड निखिल भाई. आपको पता है ड्यू टू प्रोसेस कैपेबिलिटीज. वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटीज. देखिए भाई, प्रोसेस कैपेबिलिटीज का मतलब क्या होता है. ट्रिपल एम मींस मैन मशीन, मैन मशीन एंड मटेरियल. अगर आप कोई भी पर्टिकुलर वर्कपीस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल, तीन प्रोसेस कैपेबिलिटीज आपके पास होती है, मैन मशीन एंड मटेरियल. और आप सबको पता है तीनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता. आदमी तो खुद गलतियों की पुड़िया है, कुछ गलती करेगा ही करेगा. मशीन भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, बिकॉज मशीन भी तो कहीं ना कहीं इंसान ने बनाई है, और मटेरियल्स में आपके डिफेक्ट होते ही हैं. सो बिकॉज ऑफ थ्री कैपेबिलिटीज कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप शाफ्ट मान लीजिए, आपको बनाना है अपने शाफ्ट को 20 mm का, तो एग्जैक्ट वो 20 mm नहीं बन पाएगी. हमें कुछ डेविएशंस देने पड़ेंगे. जैसे मान लीजिए आपने दिया सर 20 mm आपके अगर एग्जैक्ट साइज है, अगर आपने डेविएशंस दिए 0.05 - 0.05, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज फॉर द अपर लिमिट 20 + 0.05, दिस इज मैक्सिमम एक्सेप्टेबल साइज. 20 - 0.05 क्या होगा, इट इज मिनिमम एक्सेप्टेबल साइज. द गैप बिटवीन द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल साइज एंड मिनिमम एक्सेप्टेबल साइज इज व्हाट टॉलरेंस. सो टॉलरेंस हमने क्यों प्रोवाइड कराया सर, because sir it is not possible to manufacture. Yes, it is not possible to manufacture a size exactly size hum nahi bana payenge because of these process capabilities. Yes, very good. Now come to the next question. Question ye bol raha hai expressing a dimension 25.3 और ऊपर आया ±0.05 mm is the case of unilateral, bilateral, limiting या फिर all of these. Yes, ये tolerance कौन सा है बताओ भाई. Unilateral है या फिर bilateral है. देखिए भाई, अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें, सपोज कीजिए ये मेरा आपकी जीरो लाइन है, दिस इज व्हाट द जीरो लाइन है ना. अगर ये मेरी जीरो लाइन है तो हम कह सकते हैं क्या, अगर आपका टॉलरेंस बॉक्स या तो ऊपर आ रहा है या तो नीचे आ रहा है, अगर ऐसा टॉलरेंस बॉक्स आता है इसे बोलते हैं अपन यूनिलैटरल, है ना, इसे बोलते हैं अपन यूनिलैटरल टॉलरेंस. इसे बोलते हैं अपन यूनिलैटरल टॉलरेंस. बट अगर आपका जो टॉलरेंस जोन है, अगर आपका टॉलरेंस जोन जो है अगर ऐसा मिड में आता है, ऐसा ओवरलैप करता है
इस जीरो लाइन को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यू नो बाइलैटरल, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, बाइलैटरल बोल देते हैं. ओके, इट इज व्हाट द बाइलैटरल. क्लियर. नाउ अब यहां पे देखें, यहां पे देखें जो आपको डायमेंशंस गिवन है, डायमेंशन गिवन ये है 25.3. ये 25.3 क्या होगा, इसे बोलते हैं अपन बेसिक साइज. ओके, इसे बोलते हैं अपन बेसिक साइज. जीरो लाइन पे हम हमेशा बेसिक साइज को पुट करते हैं. क्लियर. तो यहां से अगर हम पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 25.3, प्लस बोल रहा है, प्लस बोल रहा है 0.05 और माइनस बोल रहा है 0.05. जब भी हम जीरो लाइन से पॉजिटिव में जाएंगे तो ऊपर तरफ जाएंगे ये आएगा पॉजिटिव, जब नीचे आएंगे तो वो आएगा आपका नेगेटिव. सिंपल सी बात. तो 25.3 प्लस 0.05 कुछ यहां आएगा, मान लीजिए कुछ यहां आएगा, सपोज कीजिए ये यहां आ गया 25.3 प्लस 0.05 और माइनस का आ गया, माइनस मतलब 25.3 से अगर हमें नीचे जाना है सर यहां जाएंगे, मतलब मान लो ये आ गया आपका 25.3 माइनस 0.05. तो मैं कह सकता हूं क्या, ये जो टॉलरेंस बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये इस जीरो लाइन के ओवरलैप कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर भी है तो नीचे भी है, एक साइड नहीं है, तो इसे बोलेंगे अपन बायलैटरल टॉलरेंस. इसे बोलेंगे बायलैटरल टॉलरेंस. अरे भाई अरुण यादव एंड गरिमा शुक्ला प्लीज इसे अच्छे से देखिए भाई, है ना, गलत आंसर ना दें. अगर आपका टॉलरेंस बॉक्स जीरो लाइन के ऊपर भी है तो नीचे भी है, इसे बोलते हैं बायलैटरल. या तो ओनली ऊपर हो या तो ओनली नीचे हो, इसे बोलते हैं अपन यूनिलैटरल टॉलरेंस. ओके, इसे बोलते हैं अपन यूनिलैटरल टॉलरेंस. जब भी मेट्रोलॉजी में कोई भी डायमेंशन का क्वेश्चन आता है तो ये आपको जीरो लाइन एंड टॉलरेंस बॉक्स आपको बनाने हैं. अगर ये बनाते हो तो आपका बेसिकली जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही हो जाता है. ठीक है ना, ठीक है. नाउ नाउ टेल मी, अ शाफ्ट हैज अ डायमेंशन. शाफ्ट का डायमेंशन आपको गिवन है 535 माइनस 0.009 एंड माइनस 0.025. ये बोल रहा है कि द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस क्या होगा. आपको चार ऑप्शन गिवन है, फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस की वैल्यू क्या होगी. आपको चार ऑप्शन गिवन है और बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस, फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस. यस टेल मी क्या होगा इसका वैल्यू. ए बी सी डी आपको ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है फंडामेंटल डेविएशन FD क्या होगा और आपको बताना है कि टॉलरेंस क्या होगा, टॉलरेंस क्या होगा. बताइए भाई, टेल मी द आंसर. What is fundamental deviation and what is tolerance? C. Garima Shukla, C. B. Nikhil Chauhan, B. और बताओ भाई, और बताइए. अनुज हरिओम, अब देखो भाई ध्यान से, बिल्कुल अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि ये क्या चीजें हैं, फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, पहले समझेंगे उसको फिर देखेंगे. ठीक है, देखो भाई, जैसे मान लो, देखो बोर्ड पे, जैसे मान लो कि ये मान लीजिए आपका जीरो लाइन है, दिस इज फॉर द जीरो लाइन, और आपका होल या शाफ्ट कुछ भी का है, उसका जो टॉलरेंस बॉक्स कुछ ऐसा आ रहा है, उसका टॉलरेंस बॉक्स क्या आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है. मान लो मैं होल ले देता हूं, ये मेरा होल का टॉलरेंस बॉक्स है, ये आपकी बेसिक साइज है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ये आपकी बेसिक साइज है, इट इज फॉर द बेसिक साइज.
बिकॉज ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होता है, कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये है आपका बेसिक साइज और ये है आपका टॉलरेंस बॉक्स। ये टॉलरेंस बॉक्स आप देख रहे हो जीरो लाइन के क्या है, ऊपर है। ये टॉलरेंस बॉक्स इस जीरो लाइन के क्या है भाई, ऊपर है। मैं कह सकता हूं क्या, अगर ये होल का टॉलरेंस बॉक्स है तो ये इसका अपर लिमिट है, ये इसका लोअर लिमिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये अपर एंड लोअर लिमिट है तो मैं कह सकता हूं क्या सर, ये आपका अपर डेविएशन होगा, दिस इज व्हाट अपर डेविएशन, और सर ये होगा आपका लोअर डेविएशन, ये होगा आपका लोअर डेविएशन। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट, पहले बताओ भाई मुझे। ये मैं मानता हूं ये होल है, इस होल का ये हो गया अपर लिमिट, इट इज व्हाट द लोअर लिमिट। और अगर मैं बेसिक साइज से बात करूं तो ये हो गया इसका अपर डेविएशन, ये हो गया इसका लोअर डेविएशन। आई थिंक यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर मैं फंडामेंटल डेविएशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन में से कौन सा डेविएशन आपका जीरो लाइन के नजदीक है, विच वन ऑफ द डेविएशन, विच वन ऑफ द डेविएशन इज नियरेस्ट टू द जीरो लाइन। यहां पे मुझे देख के बताओ, यहां पे मुझे देख के बताओ कौन सा डेविएशन जीरो लाइन के, कौन सा डेविएशन जीरो लाइन के नजदीक है, अपर या फिर लोअर, टेल मी कौन सा डेविएशन जीरो लाइन के नजदीक है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है सर, लोअर डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन इज इक्वल टू लोअर डेविएशन तब होगा जब आपका जो टॉलरेंस बॉक्स है वो इस जीरो लाइन के ऊपर होगा। अगर मैं दूसरे कंडीशन में कह दूं, सपोज कीजिए मेरे पास एक कंडीशन है, मान लीजिए ये मेरी जीरो लाइन है और एक मान लो होल या शाफ्ट का जो डायमेंशन के हिसाब से टॉलरेंस बॉक्स मेरे पास ये आता है। सपोज कीजिए ये मेरे पास होल है, ये अगर होल है, ये आपका बेसिक साइज है, इट इज व्हाट द जीरो लाइन, इसको अपन समझते हैं बेसिक साइज। ये होल का अपर लिमिट हो गया और ये होल का लोअर लिमिट हो गया। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि सर ये क्या है आपका अपर डेविएशन है, दिस इज व्हाट द अपर डेविएशन, एंड सर ये क्या हो गया मेरा लोअर डेविएशन हो गया, दिस इज व्हाट द लोअर डेविएशन। अब मुझे बताओ यहां पे फंडामेंटल डेविएशन क्या होगा, व्हाट इज फंडामेंटल डेविएशन, यहां पे मुझे बताइए फंडामेंटल डेविएशन क्या होगा। सर यहां पे आप देख सकते हैं विच डेविएशन इज नियरेस्ट टू जीरो लाइन, दिस इज व्हाट द फंडामेंटल डेविएशन। सो यहां पे बात करें सर, जो अपर डेविएशन है वो क्या है आपका फंडामेंटल डेविएशन है। मतलब मैंने दो बात यहां सीख ली सर, अगर आपका टॉलरेंस बॉक्स जीरो लाइन के ऊपर होता है, अगर आपका टॉलरेंस बॉक्स जीरो लाइन के ऊपर होता है तो फंडामेंटल डेविएशन इज इक्वल टू लोअर डेविएशन। अगर आपका टॉलरेंस बॉक्स जीरो लाइन के नीचे होता है तो क्या होगा भाई, अपर डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, फंडामेंटल डेविएशन। ये बातें हमने सीख ली। अब आते हैं भाई क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन में जो आपको डायमेंशन गिवन है, देखो भाई 35-0.009 एंड 35-0.002, मतलब सर यहां पे मैं कह सकता हूं सर ये जो लिखा है ये अपर डेविएशन होता है और यहां पे जो लिखा होता है वो लोअर डेविएशन होता है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे। अगर ऐसी डायमेंशन गिवन है तो मैं कह सकता हूं कि सर यहां पे जो लिखा होता है वो अपर डेविएशन है, यहां लिखा होता है लोअर डेविएशन है। अगर मैं रफली ऐसे ही सोच के देखूं, सर मान लीजिए मैंने 35 लिख दिया तो बताओ भाई इस डायमेंशन के हिसाब से टॉलरेंस बॉक्स कहां बनेगा, जीरो लाइन के अबव बनेगा या जीरो लाइन के नीचे बनेगा, बताओ जीरो लाइन के अबव बनेगा या जीरो लाइन के नीचे बनेगा, बिलो बनेगा, बताओ भाई। बट ऑब्वियसली सर दोनों ही माइनस में है, 35 से सर दोनों ही माइनस में है क्या, सर 35 से दोनों ही माइनस में है, तो सर ये बिल्कुल बात तय हो गई सर, ये है मेरा टॉलरेंस बॉक्स इस डायमेंशन के हिसाब से। मुझे एग्जैक्ट डायमेंशन पता नहीं है, कोई बात नहीं। अगर मेरा टॉलरेंस बॉक्स जीरो लाइन के नीचे आता है तो अपर डेविएशन क्या होगा मेरा, फंडामेंटल डेविएशन होगा। अपर डेविएशन क्या होगा मेरा, फंडामेंटल डेविएशन होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो यहां से देख के बताओ भाई व्हाट इज द फंडामेंटल डेविएशन। सर इफ द टॉलरेंस बॉक्स इज बिलो जीरो लाइन देन सर ये अगर है आपका अपर डेविएशन, ये है आपका लोअर डेविएशन,
तो सर यू नो सर अपर डेविएशन ही क्या होगा, आपका फंडामेंटल डेविएशन होगा। तो क्लियरली यहां से आपको क्लियर हो रहा है सर, फंडामेंटल डेविएशन इज इक्वल टू अपर डेविएशन बिकॉज द टॉलरेंस बॉक्स इज बिलो जीरो लाइन। आपको वैल्यू मिल चुकी है अपर डेविएशन का -0.009, आपको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। तो ये हो गया आपका अपर डेविएशन, सॉरी फंडामेंटल डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, -0.009। तो सर ये आपका हो गया, यहां भी है सी में भी है और ये चीज आपकी डी में भी है। फिर आता है आपका टॉलरेंस। अब मुझे बताओ क्या टॉलरेंस कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? अरे सर टॉलरेंस क्या होता है सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माय डियर, अपर लिमिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोअर लिमिट, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इन दोनों में से देखिए बताओ सर, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखा है, तो सर नेगेटिव थोड़ी होगा कभी, नेगेटिव थोड़ी होगा कभी ना कभी, सर पॉजिटिव ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी हो गया। विदाउट कैलकुलेटिंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन आप इस पर्टिकुलर आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। बताओ भाई ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपको अगर निकालना ही है तो निकाल लो सर। टॉलरेंस क्या होगा सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन, मींस -0.009 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.025, तो आ जाएगा आपका टॉलरेंस इज इक्वल टू 0.016, बस हो गया। तो आप कैलकुलेशन किए बिना पर्टिकुलर इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। बोलो किसको समझ में नहीं आया बताओ भाई, क्या सबको ये चीज क्लियर है? ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे ध्यान रखें, बिना कैलकुलेशन करे आप फंडामेंटल डेविएशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। बिना कैलकुलेशन किए आप फंडामेंटल डेविएशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। क्या क्लियर है? वेरी गुड। व्हेनेवर द टॉलरेंस बॉक्स इज बिलो द जीरो लाइन देन अपर डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, फंडामेंटल डेविएशन, एंड व्हेन द टॉलरेंस बॉक्स इज अबव जीरो लाइन then lower deviation is equal to what, the fundamental deviation. Okay, very good, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ना करें, डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व करें। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। इन ऑर्डर टू हैव इंटरफेरेंस फिट, इट इज एसेंशियल दैट क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा जब तक मैं इनका देता हूं जवाब। सर 30 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट ब्रेक लेने से कंसंट्रेशन होता है क्या? देखो भाई ये 30-30 मिनट पढ़ने से कुछ नहीं होता, 30 मिनट क्या पढ़ लोगे भाई है? कम से कम एक सेटिंग में 3 घंटे या 2 घंटे पढ़ो। एक सेटिंग करते हो आप तो कम से कम 2 घंटे पढ़िए। हाँ 2 घंटे के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इनएक्स 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें, ठीक है। हाँ हो रहे हैं, हरिओम हो रहे हैं, ठीक है। 30 मिनट की पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं होती है, ओके। एक बार अलार्म लगाओ, 2 घंटे से पहले उठना नहीं है, ठीक है। हाँ वैसे पढ़े करो, हाँ 2 घंटे हो जाए उसके बाद 10 मिनट का ले लो ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? निखिल ने बोला है ए। बाकी लोग बताओ भाई, निखिल ने बोला है ए, हरिओम का भी आंसर ए आ चुका है। अगर मैं इंटरफेरेंस फिट की बात करता हूं, है ना, देखिए भाई यहां पे 3 टाइप ऑफ फिट आते हैं, आप सबको पता है देयर इज 3 टाइप ऑफ फिट्स। पहला क्या भाई, क्लियरेंस फिट, पहला हो गया क्लियरेंस फिट। दूसरा क्या आता है भाई, इंटरफेरेंस फिट। और तीसरा आता है आपका ट्रांजिशन फिट, है ना, तीसरा आता है आपका ट्रांजिशन फिट। अगर मैं क्लियरेंस फिट की बात करता हूं तो यहां पे क्या होगा, इन क्लियरेंस फिट होल इज ऑलवेज बिगर देन द शाफ्ट, इन द यू नो ग्रुप ऑफ द होल्स एंड शाफ्ट, होल इज ऑलवेज बिगर देन द शाफ्ट, मींस होल जो मैं कह सकता हूं क्या, ये आपका होल है, होल अगर हमेशा क्या हो, बड़ा हो। ये सपोज कीजिए आपका होल है, इट इज होल एंड ये शाफ्ट है, ये क्या है भाई, आपका क्लियरेंस फिट है। मतलब क्या होगा, दिस इज व्हाट लोअर लिमिट, दिस इज व्हाट अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज व्हाट द लोअर लिमिट। सो माय डियर,
इसे बोलेंगे अपन क्या, क्लियरेंस फिट। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा होल, सबसे छोटा होल भी अगर सबसे बड़ी शाफ्ट से बड़ा है, यस, सबसे छोटा होल भी सबसे बड़ी शाफ्ट से बड़ा है, इसे बोलते हैं अपन क्लियरेंस फिट। अगर इंटरफेरेंस फिट की बात करें, अगर इंटरफेरेंस फिट की बात करें माय डियर, तो मैं कह सकता हूं क्या, इन इंटरफेरेंस फिट शाफ्ट क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, है ना। इन शाफ्ट असेंबली, और ये हो गया आपका होल असेंबली, शाफ्ट इज ऑलवेज बिगर देन द होल। शाफ्ट मींस ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, मींस सबसे छोटी शाफ्ट, मींस माय डियर सबसे छोटी शाफ्ट, सबसे छोटी शाफ्ट भी मैं कह सकता हूं क्या, सबसे बड़े होल से बड़ी है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस फिट। नाउ अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन फिट का, नाउ अगर हम बात ट्रांजिशन फिट करते हैं तो क्या होगा भाई, ये मान लीजिए आपका होल का टॉलरेंस जोन है, इट इज व्हाट होल टॉलरेंस जोन, और अगर ये कुछ ऐसा शाफ्ट का है, मतलब होल एंड शाफ्ट की जो टॉलरेंस जोन है अगर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं अपन ट्रांजिशन फिट। क्वेश्चन में पूछा है इंटरफेरेंस फिट, है ना, क्वेश्चन में पूछा है माय डियर इंटरफेरेंस फिट। अरे क्या बोल रहे हैं, टूल मटेरियल नॉट सुटेड टू रेजिस्टेंस वेल्डिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेलाइट हाई स्पीड स्टील एंड मैसोन। अरे भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यू नो, अब देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूं क्या, बिंदु क्या पूछा है, इंटरफेरेंस फिट की बात करेंगे ना, इंटरफेरेंस फिट की बात करेंगे, इन इंटरफेरेंस फिट माय डियर इट इज एसेंशियल दैट, अरे निखिल कोई डाउट हो ना तो मुझे मैसेज कर दो, निखिल कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज कर दे करो, है ना, ओके मुझे मैसेज कर दे पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। नाउ इन इंटरफेरेंस फिट यू नो क्या होगा भाई, ये बोल रहा है लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये क्या है भाई आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट है क्या, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या होना चाहिए, अपर लिमिट ऑफ होल से बड़ा होना चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज अबव या कहूं बिगर देन द अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, या है ना, तो यहीं पे देखो ऑप्शन लिखा है लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट मस्ट शुड बी ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल, ये एसेंशियल कंडीशन है किसका, इंटरफेरेंस फिट का। क्या क्लियर है भाई, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, आप देख सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट शुड बी ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल, देन इट इज कंसीडर्ड एज द इंटरफेरेंस फिट, देन इट इज कंसीडर्ड एज द इंटरफेरेंस फिट, ओके वेरी गुड। नाउ थर्ड क्वेश्चन बताइए भाई, यहां पे आपको होल एंड शाफ्ट का डायमेंशन गिवन है, मैं लिख देता हूं यहां पे होल का डायमेंशन गिवन है, होल का डायमेंशन गिवन है 5 9 + 0.015 और प्लस जीरो, एंड शाफ्ट का डायमेंशन आपको यहां पे गिवन है 9 + 0.010 एंड + 0.001, और पूछ रहा है कि कौन सा फिट यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा फिट जो है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, टेल मी कौन सा फिट है भाई, कौन सा फिट है, बताइए कौन सा फिट है, सॉल्व करें और बताएं। आंसर आया है गरिमा का सबसे पहले सी, देखते हैं भाई और बताओ भाई, और लोग बताओ, यस अभिषेक, अभिषेक का आंसर भी सी आया है। देखिए भाई यहां पे आपको होल एंड शाफ्ट के डायमेंशन दे रखे हैं, तो अगर मैं इनको जीरो लाइन पे पुट करता हूं, यहां पर अगर पुट करता हूं तो मैं कह सकता हूं क्या भाई, देखो ध्यान से, मान लो ये आपका बेसिक साइज नो, जो यहां पे लिखा होता है वो क्या होता है आपका बेसिक साइज, जिसको जिसको आप नोट करें एट द जीरो लाइन। अगर मैं होल को देखूं, अगर मैं माय डियर होल को देखता हूं 9 + 0.015 और जीरो, मतलब कहीं ना कहीं सर होल आपको ऐसा दिखाई देगा, होल का लोअर लिमिट सर 9 पे ही है क्या, बिल्कुल अपर लिमिट कुछ ऐसा है, तो मुझे कुछ ऐसा होल दिखाई देगा, क्लियर। शाफ्ट को देखें
ये है बेसिकली व्हाट 9.015 mm. क्लियर? अगर हम शाफ्ट को देखें तो शाफ्ट का टोलरेंस वो कैसे बनने वाला है भाई, इसका लोअर लिमिट है 9.001 और अपर लिमिट क्या है 9.010. तो सर शाफ्ट कुछ ऐसा आने वाला है ना, ये देखो ऐसा आने वाला है. हाँ, ये हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज 9.001 एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज 9.010. तो मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे ये होल है और यहां पे क्या है, ये शाफ्ट है. दोनों का जो टॉलरेंस बॉक्स है कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है. मतलब यहां पे कुछ असेंबली, देखो भाई यहां पे मैं कह सकता हूं क्या, कुछ असेंबली ऐसी होंगी जो क्लियरेंस फिट बताती हैं और कुछ असेंबली आपकी ऐसी होंगी जो इंटरफेरेंस फिट बताती हैं. मतलब अगर मान लो मैं इस होल की बात करूं यहां पे और इस साफ की बात करूं, इट शोज द क्लियरेंस फिट. अगर मैं यहां पे इस होल की बात करता हूं और इस साफ की बात करता हूं, इट शोज द यू नो इंटरफेरेंस फिट. When there is overlapping between the interference fit and you know the clearance fit, when some assemblies are shown like the clearance fit and some assemblies are shown like the interference fit, then it is called transition fit. So what is the correct answer? Is nothing but your transition fit. Nothing but your transition fit. Yes, very good, very good. Transition fit, है ना? सबको clear है भाई? सबको clear है? कैसे हम निकालते हैं? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बताइए, ये लिखा है शाफ्ट एंड होल पेयर. शाफ्ट एंड होल पेयर कुछ ऐसा आपको दिया है, डेजिग्नेटेड एज 50H7 एंड d8, द असेंबली कौन सी होगी? ये असेंबली कौन सी होगी आपको बताना है. ये असेंबली कौन सी होगी आपको बताना है. इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट या फिर नन ऑफ द अबव? सब लोग बताएंगे भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये असेंबली कैसी है, ये असेंबली कैसी है? टेल मी वेरी क्विक. 50H7 एंड d8 कौन सा फिट है भाई? ये फिट कौन सा है? इंटरफेरेंस, क्लियरेंस. देखिए भाई, अगर आप आईएसओ डेजिग्नेशन देखते हैं होल एंड शाफ्ट का, ये है आपका बेसिक साइज. क्लियर? यहां पे देखो आता है आपका होल, है ना? ये मान लीजिए आपका कैपिटल ए होल है, इसके बिल्कुल नीचे क्या आएगा, आपकी शाफ्ट आएगी. इट इज व्हाट, स्मॉल ए. Yes, अगर मैं होल्स की बात करूं तो ऐसे बढ़ेंगे होल्स. मतलब ये कैपिटल ए, ये मान लीजिए आपका कैपिटल बी, ऐसे करते करते यहां पे आएगा आपका कैपिटल एच. अगर मैं शाफ्ट की बात करूं, शाफ्ट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैं शाफ्ट को यहां से बढ़ाऊं, मान लीजिए स्मॉल ए है, ये आ गया आपका स्मॉल बी, ऐसा करता करता यहां पे आएगा क्या, आपका स्मॉल एच. तो ए बी और एस के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो इस तरफ जाएंगे. अगर मैं शाफ्ट की, अगर होल की बात करेंगे तो, अगर शाफ्ट की बात करेंगे तो ये सब जो क्या है ऐसे जाएंगे. हाँ, ये दिखाएगा आपका होल और ये क्या है बेसिकली आपके शाफ्ट. क्या ये बात क्लियर हुई? तो यहां पे अगर हम बात करें सर, यहां पे देखो ये जो आपको डेजिग्नेशन लिखा है ये 50 दिखाता है क्या, बेसिक साइज. ओके, 50 shows the basic size. H दिखा रहा है क्या, होल टाइप, कि यहां पे आपने H होल इस्तेमाल किया है. और 7 दिखाता है टॉलरेंस ऑन द होल, जो कि है आपका IT7. जो स्मॉल d है वो दिखाता है आपका शाफ्ट टाइप, कि भाई शाफ्ट कौन सी है.
और 8 दिखाता है शाफ्ट का टॉलरेंस जो कि आपको दे रखा है IT8। तो यहां पे देखें, होल है आपका कैपिटल एच, स्मॉल डी शाफ्ट कहां पे होगी, स्मॉल डी शाफ्ट ए बी सी डी, कहीं ना कहीं सर स्मॉल डी यही होगा ना, कहीं ना कहीं स्मॉल डी शाफ्ट होगी। मतलब सर यहां पे मैं कह सकता हूं क्या, ये है आपका कैपिटल एच होल और ये है आपका स्मॉल डी शाफ्ट, यस और नो? तो मैं कह सकता हूं सर होल का टॉलरेंस बॉक्स, होल का टॉलरेंस बॉक्स अगर शाफ्ट से बड़ा है, मतलब सबसे छोटा होल भी सबसे बड़ी शाफ्ट से बड़ा है, तो ये क्या आएगा भाई, क्लियरेंस फिट आएगा। क्या आएगा भाई आपका, क्लियरेंस फिट आएगा। यस वेरी गुड, इट इज व्हाट द क्लियरेंस फिट। ध्यान रखिएगा भाई इस पर्टिकुलर आईएसओ डेजिग्नेशन को, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एच होल आ गया, इसके जाएंगे नीचे तो यहां से बढ़ता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ये क्या है, बेसिकली आपका शाफ्ट ऐसे जा रहा है और ये क्या शो करता है, दिस शोज द फंडामेंटल डेविएशन। ओके, व्हिच डेविएशन इज नियरेस्ट टू जीरो लाइन, तो यही तो होगा इस ए होल के लिए, ये होगा बी के लिए, है ना, ये होगा इस बी शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन। दिस शोज द फंडामेंटल डेविएशन। यस, अगर फंडामेंटल डेविएशन की बात करें, दीज आर द फंडामेंटल डेविएशन जो कि यहां पे चल रहा है, यहां पे चल रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और स्मॉल एस के लिए क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल एच के लिए क्या हो जाएगा भाई, फंडामेंटल डेविएशन जीरो हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। सो यहाँ पे हो गया आपका क्लियरेंस फिट इज द आंसर, क्लियरेंस फिट इज द आंसर। क्लियर, क्या सबको क्लियर है भाई, वेरी गुड। नाउ बताइए भाई, अलाउंसेस इन अ लिमिट्स एंड फिट रेफर्स टू, अलाउंस क्या होता है लिमिट्स एंड फिट में, अलाउंस इन लिमिट्स एंड फिट्स रेफर्स टू ए बी सी डी ऑप्शन। ए बी सी डी ऑप्शन, सब बताओ भाई, व्हाट इज अलाउंस, व्हाट इज द अलाउंस, क्या होगा, सब लोग जवाब दे भाई, ए निखिल, बी प्रिंस पंकज, ए तुम लोग रटते हो क्या, हरिओम ए, अब सुनो ध्यान से, रटना नहीं है, सुनो भाई ध्यान से, देखो अगर मैं बात करता हूं शाफ का, या पहले कर लो मैंने होल का बात कर लिया, बिल्कुल ध्यान से देखें बोर्ड पे, अलाउंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं ना होल का, यू नो मान लो ये आपका होल जो है ये कुछ ऐसा है, सपोज कीजिए सबसे बड़ा होल और ये सबसे छोटा होल, ठीक है, ये अपर लिमिट ऑफ होल हो गया, ये लोअर लिमिट ऑफ होल हो गया, इसके बीच में जितने भी होल आएंगे वो सब क्या है भाई, एक्सेप्टेबल है क्या, ये सब एक्सेप्टेबल है क्या, ये आपका मटेरियल है, ये क्या है भाई आपका मटेरियल है। क्लियर, तो यहां पे मुझे बताओ अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ होल में मैक्सिमम मटेरियल कहां पे है, अपर लिमिट में है या लोअर लिमिट में है, मुझे ये बताओ मैक्सिमम मटेरियल कहां पे है, मैक्सिमम मटेरियल कहां पे है, अपर लिमिट में है या फिर लोअर लिमिट में है, सब लोग बताएंगे भाई मैक्सिमम मटेरियल आपको कहां दिखाई, ऑब्वियसली सर यहां पे ज्यादा मटेरियल है, मतलब अगर हम कहें सर होल के लिए जो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन है वो है आपका लोअर लिमिट, वो है आपका लोअर लिमिट, यस लोअर लिमिट ऑफ होल, और यहां से अगर कहें सर मिनिमम मटेरियल लिमिट क्या है या मिनिमम मटेरियल कंडीशन क्या है, वो हो गया सर आपका अपर लिमिट ऑफ होल, वो हो गया आपका अपर लिमिट ऑफ होल। क्लियर, वहीं अगर मैं बात करता हूं शाफ्ट का, बिल्कुल ध्यान से समझे, अगर वहीं मैं बात करता हूं शाफ्ट का, सपोज कीजिए ये शाफ्ट आपकी नो छोटी शाफ्ट है और ये मान लीजिए आपका बड़ी शाफ्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये हो गई आपकी एक्सेप्टेबल साइज, वो शाफ्ट जो एक्सेप्टेबल होगी। यहां पे बताइए कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कौन सा है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कौन सा है, बस जितनी बड़ी शाफ्ट होगी उसमें उतना ही ज्यादा मटेरियल आने वाला है क्या, वेरी गुड, ये हो जाएगा सर अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट,
और यहां पे सर मिनिमम मटेरियल कंडीशन कौन सा है, मिनिमम मटेरियल कंडीशन कौन सा है सर, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। क्या यहां तक क्लियर हुआ? कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है भाई, कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेगा, होल का डायमेंशन देगा और पूछेगा भाई मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कौन सा है। ध्यान रखिएगा, होल का जो लोअर लिमिट होता है, होल का जो लोअर लिमिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। क्लियर? नाउ अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाउंस। अलाउंस क्या होगा? अलाउंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन, अलाउंस का मतलब होता है, देखो भाई ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन फॉर होल एंड शाफ्ट, फॉर होल एंड शाफ्ट। यह है बेसिक फंडामेंटल रूल फॉर अलाउंस, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ होल एंड शाफ्ट। क्लियर? अब देखो भाई कैसे, जैसे मान लो मैं करता हूं पहले क्लियरेंस फिट की बात, अगर क्लियरेंस फिट की बात करूं, सपोज कीजिए ये आपका क्लियरेंस फिट है, तो क्लियरेंस फिट में क्या होगा भाई, ये मान लो आपका होल होगा, होल टॉलरेंस बॉक्स इज ऑलवेज अबव देन द शाफ्ट टॉलरेंस बॉक्स, ये मान लो क्लियरेंस फिट है। अगर क्लियरेंस फिट की बात करें तो ये हो गया आपका अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, ये शाफ्ट का अपर लिमिट, ये शाफ्ट का लोअर लिमिट। यहां पे मुझे बताओ अलाउंस क्या होगा? सर अलाउंस क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ होल एंड शाफ्ट। मुझे बताइए भाई, मुझे बताइए इस होल के लिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कौन सी है? सर लोअर लिमिट है, ये हो गया लोअर लिमिट। और इस शाफ्ट के लिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कौन सा है? सर अपर लिमिट है। ये लो भाई, ये जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा ना, यही क्या है आपका अलाउंस है, यही क्या है भाई आपका अलाउंस है। और यही तो क्या होता है, यही तो क्या होता है भाई, इसी को तो हम क्या बोलते हैं मिनिमम क्लियरेंस। यही तो क्या होता है आपका मिनिमम होता है क्लियरेंस, यस और नो? सो अलाउंसेस यहां पे क्या होगा, व्हाट इज अलाउंस इज इक्वल टू मिनिमम क्लियरेंस, इज इक्वल टू व्हाट, मिनिमम क्लियरेंस। वहीं अगर मैं इंटरफेरेंस फिट की बात करता हूं, इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा भाई, ये हो गई आपकी शाफ्ट, बिकॉज शाफ्ट टॉलरेंस जोन इज ऑलवेज अबव देन होल टॉलरेंस जोन। अगर मैं यहां पे बात करूं तो सर ये शाफ्ट का अपर लिमिट है, शाफ्ट का लोअर लिमिट है, ये होल का अपर लिमिट है, होल का लोअर लिमिट है। यहां पे बताइए भाई, यहां पे बताइए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कहां है? शाफ्ट का क्या होता है भाई, अपर लिमिट होता है क्या? शाफ्ट का सर अपर लिमिट होता है क्या मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, एंड होल का क्या होता है सर? लोअर लिमिट होता है। सर इसका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा आपका अलाउंस होगा, वही क्या होगा आपका अलाउंस होगा, बिकॉज अलाउंस का डेफिनेशन यही है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ शाफ्ट एंड होल। यस, और यही तो क्या है, यही तो क्या है भाई, यही तो आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस है, यही तो आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस है, सबसे बड़ा शाफ्ट सबसे छोटी होल, यही तो आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। तो ध्यान रखिएगा अलाउंस क्या हो गया, अलाउंस हो गया मिनिमम क्लियरेंस, अलाउंस क्या हो गया मिनिमम क्लियरेंस या फिर मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ध्यान रखिएगा यही क्या है आपका अलाउंस है, मतलब ये क्या है आपका अलाउंस है, मतलब मिनिमम क्लियरेंस और द मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? अलाउंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ होल एंड शाफ्ट। ये बात ध्यान रखो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया है, यहां पे क्वेश्चन में दिया है, हाँ भाई, मिनिमम क्लियरेंस या फिर मैक्सिमम इंटरफेरेंस, ये हो गया आपका मिनिमम क्लियरेंस। सो मिनिमम क्लियरेंस जो होगा वही क्या है आपका अलाउंस है। अगर यहां पर लिखा होता मैक्सिमम इंटरफेरेंस तो वो भी आपका आंसर क्या होता, सही होता। बस इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ होल एंड शाफ्ट, बस ये हो गया आपका आंसर। क्या भाई क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग सर मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस इज द अलाउंस, इज द अलाउंस। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस, हरिओम प्रिंस। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये बोल रहा है मैक्सिमम क्लियरेंस, ये बोल रहा है भाई मैक्सिमम क्लियरेंस। यस, मैक्सिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस इन अ फिट,
इज द डिफरेंस बिटवीन, बताओ मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, व्हाट इज मैक्सिमम क्लियरेंस, व्हाट इज मैक्सिमम क्लियरेंस, बताइए मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम क्लियरेंस मतलब सबसे बड़ा होल एंड सबसे छोटी शाफ्ट, बहुत सिंपल ना। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा सर, सबसे बड़ा होल एंड सबसे छोटी शाफ्ट, इट इज व्हाट मैक्सिमम क्लियरेंस। सो यू नो सबसे बड़ा होल मतलब क्या, मैक्सिमम साइज ऑफ होल एंड सबसे छोटी शाफ्ट मतलब मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। सो क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन कट हो गया, सिंपल सी बात। बताओ भाई बेसिक शाफ्ट एंड बेसिस होल, बेसिक शाफ्ट एंड बेसिक होल दोज हैव अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन रेस्पेक्टिवली आर। अगर बेसिक शाफ्ट है एंड बेसिक होल है, बेसिक शाफ्ट का अपर डेविएशन क्या होगा और बेसिक होल का लोअर डेविएशन क्या होगा, बेसिक शाफ्ट का अपर डेविएशन क्या होगा और बेसिक होल का लोअर डेविएशन क्या होगा। देखो भाई आप सबको पता होगा, अगर मैं बेसिक होल की बात करता हूं, अगर मैं बेसिक होल की बात करता हूं तो ये है सर आपका बेसिक होल, कैपिटल एस टाइप होल, ये क्या हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गई आपकी बेसिक साइज। तो मैं कह सकता हूं क्या, तो मैं कह सकता हूं सर यहां पे एक तो इसका फंडामेंटल डेविएशन क्या है, जीरो है, और इसका लोअर लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, बेसिक साइज हो गया, और इसका सर जो लोअर डेविएशन है वो बिल्कुल इस जीरो पीटी का है, तो लोअर डेविएशन क्या होगा भाई इसका, जीरो हो गया, क्लियर। यही अगर मैं बात करता हूं सर बेसिक शाफ्ट का, जिसमें कि आप स्मॉल एच टाइप शाफ्ट को यूज करने वाला है, इसमें सर यह है अपर लिमिट, यह है लोअर लिमिट, तो यहां पे अपर लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिक साइज, फंडामेंटल डेविएशन क्या होगा सर, जीरो होगा, और अपर डेविएशन क्या होगा सर, जीरो होगा। क्या ये बात क्लियर हुई, ये हो गया आपका अपर डेविएशन इज व्हाट, जीरो, बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, व्हिच डेविएशन इज नियरेस्ट टू जीरो लाइन, सर अपर डेविएशन तो बिल्कुल चिपका पड़ा है, तो कितना हो गया, जीरो हो गया। सो यहां पे अगर देखें, भी पूछा है ना कि बेसिक शाफ्ट के लिए अपर डेविएशन क्या होगा सर, जीरो होगा, चलो ठीक है, बेसिक होल के लिए लोअर डेविएशन क्या होगा सर, जीरो होगा, तो इट इज व्हाट, जीरो एंड जीरो, इट इज व्हाट माय डियर, जीरो एंड जीरो इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नाउ मैच द फॉलोइंग For a given assembly, 25 capital S7 and G8 match the group A and with the group B. Group A में कुछ आपको लिखा है और group B में भी कुछ लिखा है. हाँ, बताओ भाई इसका correct answer क्या होगा इस assembly के हिसाब से? क्या मतलब है 25 का? क्या मतलब है capital H का? और क्या मतलब है आपके G का? और क्या मतलब है आपका 8 का? बताइए भाई, हरिओम कहाँ से सी आ रहा है? हरिओम थोड़ा आराम से क्वेश्चन कीजिए देख के। सब लोग बताएं भाई, टी अरविंद का आ रहा है डी, आप देखिए भाई क्या होगा इसका आंसर। भाई जो 25 है, ओके, 25 दिखाता है आपका बेसिक साइज, अभी बात हुई थी, मैं थोड़ा यहां पे कर लेता हूं, है ना, 25 कैपिटल H7
ये जी लिखा है और यहाँ पे एट लिखा है, ठीक है। 25 दिखाता है क्या, बेसिक साइज ना, 25 दिखाता है आपको बेसिक साइज। एच दिखाता है होल, होल टाइप। 7 क्या दिखाता है, ये दिखाता है होल का टॉलरेंस, ये दिखाता है आपका होल टॉलरेंस, दिस इज IT7। जी दिखाता है आपको शाफ्ट टाइप, ओके, जी इज व्हाट शाफ्ट टाइप, और जी जो आपके शाफ्ट के पास में लिखा है 8, वो दिखाता है आपका शाफ्ट का टॉलरेंस, इट इज व्हाट IT8। अब देखो भाई क्या सर्किट होगा, ऐसे दिखा रहा है आपका होल टाइप, मतलब पी का हो गया आपका 2। IT8 दिखा रहा है शाफ्ट का टॉलरेंस, शाफ्ट का टॉलरेंस मतलब क्यू का होगा 4। IT7 सर दिखा रहा है होल का टॉलरेंस, तो होल टॉलरेंस ये हो गया आपका 3। जी दिखा रहा है आपको शाफ्ट टाइप, मतलब 2 4 3 1 2 4 3 1। अरे गलत कैसे कर रहे हो भाई, हाँ हाँ ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, हरिओम गरिमा, ऐसी गलती ना करें, ठीक है, दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ध्यान से देखें, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन 25 कैपिटल D6, डी आपको क्या दिखा रहा है बताओ भाई, डी आपको यहां पे क्या शो कर रहा है, डी यहां पे आपको क्या शो कर रहा है, ए बी सी डी बताओ प्रिंस पंकज, डी आपको यहां पे शो क्या कर रहा है, ठीक है होल टाइप तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस होल से आप समझते क्या है कि भाई ये क्या दिखा रहा है, डी लेटर, डी लेटर आपको यहां पे क्या दिखा रहा है, डी लेटर आपको यहां पे क्या दिखा रहा है बताओ भाई, सब लोग बताइए भाई क्या दिखा रहा है, यस। अब अरे वो डी नहीं है, वो डी नहीं बाबू, वो डी नहीं है, वो डी अलग है, वो डी अलग है। अब देखो भाई ध्यान से समझे, ध्यान समझे, नहीं नॉट ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, वो 6 है निखिल, वो 6 है, वो IT6 है, देखिए ध्यान से भाई, अगर हम यहां पे बात करें होल कौन सा है, डी है, होल कौन सा है, डी है, देखो ध्यान से, मतलब यहां पे ये होगा आपका ए होल, ऐसे करते करते यहां पे आएंगे आपका डी होल ना, थोड़ा मैं छोटा कर दूं, ये है आपका सपोज कीजिए ए होल, उसके बाद ये आ गया बी होल, उसके बाद ये सी होल, उसके बाद ये डी होल, हाँ देखो भाई ये होल दिखाते क्या है, मैं कह सकता हूं क्या यहां पे ये क्या होगा, इट इज व्हाट द लोअर डेविएशन, और ये यहां से आता क्या अपर डेविएशन है, तो बेसिकली ये इसका लोअर डेविएशन हो गया, और जो बी है वो भी मैं कह सकता हूं क्या ये इसका लोअर डेविएशन हो गया, ऐसा करते करते मैं हर एक में कह सकता हूं क्या सर ये भी क्या है सर इसका लोअर डेविएशन हो गया, सर जो डी है वो भी क्या है सर इसका लोअर डेविएशन हो गया, मीन जैसा कि आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर होल टाइप आपका जो लोअर डेविएशन डिफाइन हो रहा है, लोअर डेविएशन आपका डिफाइन हो रहा है, क्लियर है कि नहीं, और अगर आपका टॉलरेंस जोन इस जीरो लाइन के ऊपर है तो लोअर डेविएशन ही क्या है, लोअर डेविएशन ही क्या है भाई आपका फंडामेंटल डेविएशन है क्या, ये जो होल्स आपको दिखा रहे हैं ये सब दिखा रहे हैं लोअर डेविएशन, हाँ जैसे जैसे आप ए बी सी डी करते आ रहे हैं दे ऑल शोज द लोअर डेविएशन और फंडामेंटल डेविएशन, अगर यहां पे लोअर डेविएशन लिखा होता या इसकी जगह अगर लिखा होता फंडामेंटल डेविएशन, दोनों ही आंसर क्या होते, करेक्ट होते, क्या क्लियर है, अगर यहां पे लोअर डेविएशन लिखा होता या फंडामेंटल डेविएशन लिखा होता तो क्या होता आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता, अगर यहां लोअर डेविएशन में ना लिखे, अगर लोड ना लिख के मैं लिख दूं फंडामेंटल डेविएशन देन आल्सो दिस इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा ये जो आपको दिखाते क्या दिखाते हैं होल टाइप, ये बात तो ठीक है बिकॉज इट इज कैपिटल है तो सर होल, अगर ये होल है लेकिन यहां पे ये दिखा क्या रहा है, इट शोज द लोअर डेविएशन एंड आई कैन से दैट फंडामेंटल डेविएशन,
इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा, इट शोज द लोअर डेविएशन या फिर फंडामेंटल डेविएशन. क्या यहां पे आपको बात क्लियर हुई? यस एवरीबॉडी. और ऐसा करते करते जैसे एच तक पहुंचोगे तो क्या होगा, आपका लोअर डेविएशन आ जाएगा शून्य, है ना. ऐसा आपका जो लोअर डेविएशन बिल्कुल क्या हो रहा है, घट रहा है. तो अगर यहां पे ऑप्शन में लोअर डेविएशन की बजाय अगर आपका फंडामेंटल डेविएशन भी लिखा होता तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, आप उसे भी करेक्ट कर देते. ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई. नाउ टेल मी, प्लग गेजेस आर यूज टू. अरे भाई सबको क्लियर है कि नहीं बताओ, सबको क्लियर है कि नहीं? प्लग गेजेस आर यूज टू. प्लग गेज हम कहां और क्यों यूज करते हैं? प्लग गेजेस आर यूज टू गो प्लग गेज, नो गो प्लग गेज. वेरी गुड. चेक द डायमीटर ऑफ होल्स इन द वर्कपीस, नॉट मेजर, नॉट मेजर, बिकॉज गेजेस, जो गेज है दे आर नॉट एब्सोल्यूट मेजरमेंट डिवाइसेस. जो गेज है वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट डिवाइसेस नहीं है. दे जस्ट शोज द एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल, वो बस उस चीज को दिखाएंगे. ठीक है, तो इट जस्ट चेक द डायमीटर ऑफ होल्स इन द वर्क पीसेस. वेरी गुड. यस, यहां पे इस क्वेश्चन को ऐसा कर दें, स्टेटमेंट इज यहां पे कर दें ट्रू, नहीं यहां पे कर दें फॉल्स. नाउ बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को. नाउ बताइए इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? फॉल्स कौन सा है? बताइए भाई फॉल्स कौन सा है. टेल मी, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, आपको बस एक बात यहां पे ध्यान रखनी है. जितने भी आपका गो गेस होंगे ना, जितने भी आपके गो प्लग हो या गो स्नैप हो, जितने भी आपके गो प्लग हो या गो स्नैप हो, वो हमेशा दिखाते हैं मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को. वो दिखाते हैं मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को. बस ये कंसेप्ट आपको यहां पे ध्यान रखना है. गो हमेशा दिखाएगा मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन. गो हमेशा दिखाएगा मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को. गो ऑलवेज शोज द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन. नाउ अगर मैं बात करता हूं होल का, है ना, अगर मैं बात करता हूं वाइट होल का, सो गो, अगर हम होल की बात करें तो बताओ भाई होल में मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होती है? इन होल व्हाट इज द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, बताओ भाई. गो अगर बात करें होल का, तो होल में मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होती है? लोअर लिमिट. यस, लोअर लिमिट. और शाफ्ट में मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कौन सा होता है? इन द शाफ्ट, इन द शाफ्ट होता है सर आपका अपर लिमिट. ध्यान रखिएगा, गो प्लग गेज या गो स्नैप गेज ऑलवेज डिजाइन फॉर मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन. फॉर होल इट यू नो इट इज बेसिकली फॉर द लो लिमिट, और इट शाफ्ट इट इज अपर लिमिट. इसका उल्टा क्या होगा आपका? नो गो. बस इसका उल्टा होगा आपका नो गो. होल में क्या होगा आपका? अपर लिमिट. एंड शाफ्ट में क्या हो गया आपका? लोअर लिमिट. Always remember this concept. Always remember this concept. This concept. This concept. Go always measure with respect to what? Maximum
मटेरियल कंडीशन। अब देख लो भाई क्या है, पहला अगर हम चेक करें यहां पे देखो, लास्ट चेक करें डी ऑप्शन, डी चेक करते हैं द नो गो गेज कंट्रोल द अपर लिमिट ऑफ होल, नो गो गेज कंट्रोल द अपर लिमिट ऑफ होल। सर ये सही है, सर ये सही है, बिल्कुल सही है, नो गो लिखा हुआ है, अपर लिमिट ऑफ होल है, बिल्कुल सही है। गो गेज कंट्रोल द लोअर लिमिट ऑफ होल, सर गो गेज कंट्रोल द लोअर लिमिट ऑफ होल, यस सर बिल्कुल सही है। नो गो गेज, यस सर, नो गो गेज कंट्रोल द लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यस सर ये भी सही है। द गो गेज कंट्रोल द अपर लिमिट ऑफ होल, सर गो गेज कंट्रोल द अपर लिमिट ऑफ होल, नो 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 सर ये गलत है, बिकॉज गो गेज हमेशा मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को चेक करता है और होल में लोअर लिमिट होती है उसकी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज यू नो रॉन्ग। अगर ऑप्शन ए गलत है तो यहां पूछा है कि फॉल्स कौन सा है, तो आपका यहां पे ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहां पूछा है कि फॉल्स कौन सा, तो ए आपका क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। वेरी गुड, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई, सब लोग बताइए क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ क्या कंसेप्ट क्लियर है, यस वेरी गुड। तो आपको बस ये टेलर्स प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं अपन टेलर्स प्रिंसिपल ना, ये किसने दिया था, ये बेसिकली आपका टेलर्स प्रिंसिपल है, ये आपका टेलर्स प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा। गो ऑलवेज मेजर विद यू नो अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। ओके बताओ भाई, द फिलर गेज इज यूज टू चेक द, फिलर गेज इज यूज टू चेक द, फिलर गेज क्या चेक करता है भाई, फिलर गेज इज यूज टू चेक द, फिलर गेज आपका क्या चेक करता है, फिलर गेज फिल करता है बेसिकली, दे आर डिफरेंट डिफरेंट यू नो थिकनेसेस ऑफ द ब्लेड्स इन फिलर गेज, अलग अलग थिकनेस क्या होती है भाई, ब्लेड्स होते हैं उसमें, अगर कोई भी दो वर्क पार्ट के बीच में अगर आपको थिकनेस मेजर करना है, बेसिकली गैप मेजर करना है, तो आएगा आपका क्या, हाँ जो क्लियरेंस को मेजर करने के लिए काम आता है क्या आपका, फिलर गेज, ओके, फॉर मेजरिंग द क्लियरेंस, फॉर मेजरिंग द क्लियरेंस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। यस ये बताइए भाई फटाफट से, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, फिलर गेज, फिलेट गेज, स्नैप गेज या सिलिंड्रिकल प्लग गेज, फिलर गेज, फिलेट गेज, स्नैप गेज या फिर सिलिंड्रिकल प्लग गेज, 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस, 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज टेल मी। अभी दिखाया था भाई फिलर गेज क्या करेगा, पी का हो गया 3, अगर पी का 3 हो गया, सी एंड डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी दिखाया था ना कि फिलर गेज मेजर द क्लियरेंस और गैप बिटवीन कंपोनेंट्स, यस सर पी का तो हो गया आपका 3, अगर पी का 3 हो गया तो सी और डी ऑप्शन तो सर कदापि नहीं हो सकता। फिलेट गेज हमेशा मेजर करता है रेडियस को, फिलेट गेज ऑलवेज मेजर द रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो क्यू का हो गया आपका 1, P का 3, Q का 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आपको पता है स्नैप गेज करता है शाफ्ट को, डायमीटर को चेक, और प्लग गेज करता है होल को। ये हो गया भाई R का हो गया 2, R का हो गया बेसिकली आपका 2, और ये हो गया आपका S का 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे भाई देखो ध्यान से क्या क्लियर है कि नहीं, फिलेट गेज ऑलवेज चेक द यू नो रेडियस, मेजर्स द रेडियस, डन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ लीस्ट काउंट ऑफ अ मैट्रिक वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो आपको बताना है, हैविंग द 25 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल मैचिंग विथ choice divisions on the main scale, matching with 24 divisions on the main scale. और यहाँ पे question में given है, one main scale division is equal to what? 0.5 mm. तो आपको least count पता करना है भाई, least count क्या होगा?
What is the list count? बताओ भाई, व्हाट इज द लिस्ट काउंट? कितना आ रहा है भाई? अच्छा, लीस्ट काउंट क्या होता है भाई? व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ वन एकर पर? व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ वन एकर पर? मेन स्केल डिवीजन माइनस वन एयर स्केल डिवीजन, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वन एकर पर। मेन स्केल डिवीजन माइनस वन एयर स्केल डिवीजन, ये होता है आपका लीस्ट काउंट। यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 25 डिवीजन और वन ईयर स्केल, मतलब 25 वन ईयर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना कह रहा है आपको? 24 मेन स्केल डिवीजन, 24 एमएसडी के बराबर है, 24 एमएसडी के बराबर है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं क्या सर, यहां पे वीएसडी क्या होगा? वीएसडी इज इक्वल टू 24/25 एमएसडी। इसको यहां पुट कर दीजिए, so it is what MSD minus VSD क्या होगा सर? 24/25 MSD। यहां से अगर मैं MSD कॉमन लेता हूं, पीछे कितना आ गया? 1-24/25। यस, तो यहां से लिस्ट काउंट कितना आएगा भाई? ये हो गया MSD, ये 25-1/25। और MSD का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जो वन मेन स्केल डिवीजन है कितना है? 0.5 है। This is 0.5 upon 25, कितना होगा भाई? It is equal to 0.02, equal to what? 0.02, very good, 0.02। देखो भाई कहां गलती की है, देखिए कहां गलती की है। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर है? रिमेनिंग क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। 10 क्वेश्चंस आर देयर फॉर योर होमवर्क। पीडीएफ कहां से मिलेगी? एट द निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन फ्री स्टडी मटेरियल। निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन में जो फ्री स्टडी मटेरियल है वहां पे आपको इसका बेसिकली पीडीएफ मिल जाएगा। आपको रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस होमवर्क में करना है फॉर द मेट्रोलॉजी। ओके, सो आई होप माय डियर आपने सिलेक्शन सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज हम इस सिलेक्शन सीरीज को एंड करते हैं। हमने सारे के सारे टॉपिक देख लिए हैं। हमने शुरुआत की थी मटेरियल साइंस से, उसके बाद कास्टिंग, उसके बाद वेल्डिंग, उसके बाद मेटल कटिंग, उसके बाद मशीनिंग, फिर मेटल फॉर्मिंग, और आज हमारा समाप्त हुआ है मेट्रोलॉजी। क्लियर? तो आई होप कि आप सब लोगों ने इस पर्टिकुलर सिलेक्शन सीरीज 2 जो प्रोडक्शन का है आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही इस ग्रुप में बने रहे, इस पर्टिकुलर चैनल पे बने रहे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर आप बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी अगर नया अपडेट आता है वो आपको पता रहे। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट बहुत जल्दी ही अनाउंस होने वाला है कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू होने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल ट्यून रहे, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी सब्जेक्ट शुरू हो रहा होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस सीरीज 2। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।